नमस्कार दोस्तों, एमडीयू कैंपस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एमडीयू में एडमिशन चले हुए हैं और हज़ारों छात्रों ने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है और बहुत से छात्र रहते हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है। तो दोस्तों, ऐसे छात्रों के लिए सूचना है और जिन छात्रों ने अप्लाई कर दिया है उनके लिए भी दोस्तों सूचना है। दोस्तों, एमडीयू यूनिवर्सिटी ने कल नोटिस जारी करके एक सूचना दी है। सूचना दी दोस्तों, जो आपकी एडमिशन की डेट थी, जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट थी, उसकी एक्सटेंशन की। दोस्तों, 29 जुलाई तक जो यूजी के कोर्स थे उनके फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों, अब 3 अगस्त 2022 तक यूजी के जो फॉर्म थे, 5 ईयर 3 ईयर 4th ईयर जो कोर्सेज थे दोस्तों, जो इंटरग्रेटेड कोर्सेज थे, उनसे भी के दोस्तों 3 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जो आपकी काउंसलिंग डेट है और जो एंट्रेंस की डेट है, दोस्तों कुछ कोर्सेज यूजी के अंदर ऐसे हैं जिनका एडमिशन मेरिट बेस पे होगा, जो आपकी 12th की मेरिट है उसके बेस पे होगा, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका एमडी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेगी। तो दोस्तों, कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनका मेरिट बेस होगा और कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनका दोस्तों एंट्रेंस बेस होगा, वो पिछली वीडियो मैंने बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं कि आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है वो मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा या एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होगा। तो दोस्तों, 3 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद 9 अगस्त और 10 अगस्त को एमडी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेगी उन कोर्सेज के जिनका एडमिशन एंट्रेंस बेस होगा। उसके बाद दोस्तों, काउंसलिंग की डेट है। दोस्तों, जो मेरिट बेस कोर्स हैं और जो एंट्रेंस बेस कोर्स हैं, दोनों का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो एक ही है, एक ही दिन दोनों की काउंसलिंग होगी। फ़र्क बस इतना है कि जो मेरिट बेस होंगे उन्होंने उनकी मेरिट 12वीं के नंबर के बेस पर लगाई जाएगी, जो आप पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जो एंट्रेंस बेस होगा उसका एमडी यूनिवर्सिटी 9 अगस्त और 10 अगस्त को एंट्रेंस लेगी और 13 अगस्त और 14 अगस्त को इनका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, काउंसलिंग है वो सेम डे होगी सभी कोर्सेज की, मेरिट बेस और नॉन मेरिट बेस। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो ऑल और अवर ऑल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी दोस्तों, प्रोविजन लिस्ट लगाई जाएगी, वो लगाई जाएगी दोस्तों 17 अगस्त 2022 को। 17 अगस्त 2022 को दोस्तों अवर ऑल मेरिट लिस्ट लगाने के बाद पहली काउंसलिंग होगी, वो होगी दोस्तों 19 अगस्त को, और जिसकी फीस कटवाई जाएगी। फीस आप सबमिट कर सकते हैं 20 अगस्त तक। उसके बाद दोस्तों 22 तारीख को आपकी क्लासेज शुरू हो जाएंगी, पहली मेरिट लिस्ट में जिनके एडमिशन होंगे उनकी क्लासेज शुरू हो जाएंगी 22 अगस्त से। उसके बाद दोस्तों सेकंड फिजिकल काउंसलिंग होगी 22 अगस्त को ही, जिसकी दोस्तों 23 अगस्त 2022 यानी कि एक ही दिन आपको फीस सबमिशन का मिलेगा। आप उसकी फीस सबमिट करा दें और अपनी सीट को पक्का करें, आपका एडमिशन दोस्तों पक्का करें। अगर आप फीस सबमिट नहीं कराते हैं तो बेशक आपका लिस्ट में नाम है, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और किसी और को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों थर्ड फिजिकल काउंसलिंग है, ऑनलाइन फीस सबमिशन होगा इसका और पहली दोनों काउंसलिंग का भी। दोस्तों 27 अगस्त 2022 को थर्ड फिजिकल काउंसलिंग होगी, इसके दोस्तों 28 अगस्त तक आप फीस कटवा लें। उसके बाद दोस्तों 29 अगस्त 2022 को डिस्प्ले किया जाएगा खाली सीटों को। 3 काउंसलिंग के बाद अगर डिपार्टमेंट के उस कोर्स के अंदर कोई सीट खाली है तो उनकी लिस्ट लगाई जाएगी कि इतनी सीटें खाली हैं इस कैटेगरी की। उसके बाद दोस्तों 30 अगस्त 2022 को यानी कि अगले ही दिन वैकेंट सीट डिस्प्ले करने के बाद फिजिकल काउंसलिंग होगी दोस्तों, इसको ओपन काउंसलिंग भी बोलते हैं। ये दोस्तों ओपन काउंसलिंग का मतलब है जो भी स्टूडेंट उस दिन प्रेजेंट होगा उसी को दोस्तों उसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों कट ऑफ डेट एडमिशन है 31/8/2022। 31/8/2022 तक दोस्तों आपकी जितने डिपार्टमेंट में कोर्स है उन सभी की सीटों पर एडमिशन दाखिला ले लिया जाएगा 31 तारीख तक। तो दोस्तों ये शेड्यूल था। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो दोस्तों एमडीयू कैंपस न्यूज़ से बेझिझक पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। दोस्तों एमडीयू कैंपस न्यूज़ से जुड़े रहिए, इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप हर सूचना दे दी जाएगी, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। दोस्तों एमडीयू कैंपस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी छात्रों को भी सूचना मिल सके। धन्यवाद।